नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 मार्च सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा व कुशलगढ़ शामिल हैं। यह नाइट कर्फ्यू आज यानी 22 मार्च से लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं दूसरी ओर 25 मार्च से राजस्थान से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इनमें एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जाँच की जाएगी। राज्य में जहाँ भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे वहाँ मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50% से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट SDM को ईमेल से देनी होगी। बीकानेर जिले के नापसर थाना क्षेत्र में दम घुटने से 5 बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि खेलते समय बच्चे अनाज के लिए बनी टंकी में चले गए थे और टंकी का ढक्कन बंद हो गया, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। मृतकों में 4 बालिकाएं और 1 बालक शामिल है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह जहां प्रदेश के कई जिलों में हल्की और मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं हल्की ओलावृष्टि देखने को मिली, अब उत्तर पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के चलते राजस्थान में अगले 3 दिनों तक फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने के साथ ही कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज 22 मार्च को उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं रविवार देर रात श्रीगंगानगर सहित अनेक जिलों में बिजली कड़की और बारिश हुई। झुंझुनू जिले के सिखाना थाना क्षेत्र के पालोता गांव में एक लड़का और एक लड़की द्वारा एक साथ आत्महत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दोनों के शव एक साथ पेड़ पर लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों में संजय निवासी कलाखरी और मृतका वर्षा निवासी सुल्ताना अहिरान है। पुलिस ने बताया कि मृतक संजय मृतका वर्षा का ममेरा भाई लगता है। इन दोनों द्वारा लोक लाश के डर से आत्महत्या किए जाने की आशंका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 20 मार्च को उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। एम्स अस्पताल की मीडिया एवं प्रोटोकॉल डिवीजन की प्रमुख डॉक्टर आरती विज की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि 19 मार्च को ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। वह एम्स के कोविड सेंटर में इलाज के लिए 20 मार्च को भर्ती किए गए थे। उनकी हालत स्थिर है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दंपति पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की पत्नी ने चाय में नशीला पदार्थ पिलाया और आरोपी ने उससे दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के नंदेड़ा गांव में खेत में काम करते समय इंजन में महिला की साड़ी फंसने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोग महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महिला खेत में कार्य कर रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। भरतपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हीरादास चौराहा स्थित होटल एप्पल की चौथी मंजिल पर एक कमरे में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों प्रेमी युगल बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों ने आत्महत्या कैसे की यह स्पष्ट नहीं है। जाँच में मौके पर किसी तरह के जहरीला पदार्थ खाने के सबूत नहीं मिले हैं। युवती रिश्ते में युवक की मौसी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नेहा निवासी यूपी और मृतक की पहचान अमित निवासी ढींग के रूप में हुई है। दोनों ने एक दिन पहले ही कमरा बुक करवाया था, जहां अमित ने अपनी आईडी दिखाकर युवती को अपनी पत्नी बताया था।
बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पालवड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की जानकारी सामने आई है। घर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दरवाजा खोलने पर कांतिलाल कटारा का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। शव दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि पत्नी अनीता और दो बच्चे के पीहर जाने पर कांतिलाल घर पर अकेला था, उसी समय फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि देश व राज्यों के विभिन्न हिस्सों में लगातार सिमट रही कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है, लिहाजा उसे भरने के लिए वह किसी भी कीमत पर सत्ता में लौटना चाहती है और इसके लिए वह किसी से भी समझौता कर सकती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र व राज्य दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकारें थी, तब असम को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया और इस दौर में राज्य के लोगों की ना यहां सुनवाई होती थी और ना ही केंद्र में सुनवाई थी। नागौर जिले के डिगाना थाना क्षेत्र के निम्बोला कला गांव में बड़ा हादसा टल गया। यहां अचानक पलटी पिकअप के कारण 36 लोग घायल हो गए। इनमें से 6 गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया, वहीं कुछ प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि खेतों में काम करने वाले 4 गांवों के मजदूर एक पिकअप में सवार होकर जा रहे थे, ऐसे में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत इडवा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, वहीं गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.